अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत करूँगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हम वीडियो लोड करने में, क्योंकि जैन भाई चल रहे हैं थोड़े मसरूफ, वो कर रहे हैं दरअसल लोगों पे काम। हमारा जो मैं पेज का लोगो है हमारा, उसको वो थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, और हमारे जो है विजिटिंग कार्ड पे भी थोड़ा काम चल रहा है। तो जैन भाई चल रहे हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो हमारे लोगों को जो है काफ़ी थोड़ा सा आड़ा तेड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। तो वो कर रहे हैं लोगों पे काम, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि वीडियो लोड हम नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि जो हमने रिसेंटली मैगजीन तैयार किया उसके बारे में हमें बताना था, हमने बताया कुछ नहीं था। तो चलो हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जैसे कि ये आप लोगों के स्क्रीन पे फोटो आ गई है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम जो है ना इसके नाम की बात करते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है बच्ची ऑन ट्रेंड। दरअसल बच्ची ऑन ट्रेंड ये एक नाम हमने इसका इसलिए रखा है क्योंकि जब भी ये बच्ची काम करेगी ना, तो इसके मैगजीन पे हमेशा आएगा बच्ची ऑन ट्रेंड, क्योंकि हम जो है ये बच्ची एक ट्रेंड पे हमने लाया है कि आप इसके साथ शूट करवा सकते हैं, मैगजीन बनवा सकते हैं। हमने इस मैगजीन को रिलीज इसलिए किया है ताकि आप इसके साथ काम कर सके, क्योंकि ये बच्ची बहुत प्रोफेशनल है, उसमें प्रोफेशनली काम कर रही है। इस मैगजीन का नाम आप देख सकते हैं, इसका मैगजीन का नेम है नियोनिक, ठीक है। नियोनिक इसका नाम हमने इसलिए रखा, ये बिल्कुल न्यू था क्योंकि ये बच्ची तो है लेकिन जो है ये एक आप देख रहे हैं एज अ मॉडल की तरह प्रेजेंट कर रही है। आप इसके इसकी फोटोज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी प्रोफेशनली इसने काम किया है, इसलिए इसके मैगजीन का नाम था नियोनिक, ठीक है। तो जो है सिंपली इज दैट यही है कि जो है ना नियोनिक हमने इसका नाम इसलिए रखा है। अब जब आपके स्क्रीन पर सेकेंड फोटोज आ चुकी है, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने सेकेंड फोटोज इसकी सामने पड़ी है, इसमें देख रहे हैं आप इसका साइड लुक। तो साइड लुक में आप देखें काफ़ी अच्छी फोटो आई है, एक मॉडल की तरह ये खड़ी हुई है, मॉडल की तरह ये प्रेजेंट कर रही है, तो जो है इसीलिए ये नियोनिक है। और एक और ख़ास चीज़ मैं बताता चलूँ, इस फोटो में आप देख रहे हैं इसका मेकओवर। जी हाँ, मैं सबको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि काफ़ी लोग जब मुझसे मिल रहे हैं, जो मुझसे बात हुई थी मेरे दोस्तों ने जिसने भी ये वीडियो देखी है, तो मुझसे पूछा यार ये मेकअप किसने किया है। तो मैं बताता चलूँ कि जो है मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं फोटोशॉप पर, तो जो है ये मैंने एडिटिंग किया है, एडिटिंग का ही काम है। अगर कोई मतलब मिसाल के तौर पर कोई अगर मेकओवर नहीं करता है तो हम उसे मेकअप खुद भी करते हैं, हम उसे रिटच कर सकते हैं, हमें फ़ोटोज़ रिटच भी करनी आती है। दरअसल मैं बेसिकली एक जो है फोटो एडिटिंग उस तरीके की करता हूँ, जैसे कि फेस पे काम करना। बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इसके जो है ना ट्यूटोरियल्स भी दूंगा फोटोशॉप की, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें तो आप लोगों को कुछ इसके स्किन पे भी काम करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये बस इतना ही था, अभी मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। आई थिंक जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, मैं उसके लिए सॉरी कहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ी छोटी रहे, लेकिन फिर भी अगर वीडियो लंबी हो जाती तो यार सॉरी उसके लिए। दरअसल मैगजीन मेरे ख्याल से तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि मैगजीन हमने क्यों बनाया और जो है ना इसमें क्या था ट्रेंड इसमें और इसके नाम में। तो होपफुली आप लोगों को जो है ना मैगजीन पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी एक न्यू मैगजीन भी रिलीज करने वाले हैं, काम चल रहा है थोड़ा, और कुछ हमारे काम भी जिसमें थोड़े बिजी रहते हैं, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि जो है जल्द से जल्द वीडियोस को लोड करूं, जो है वीडियोस आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों के साथ लाऊं, शेयर करूं हर चीज़ें। तो जो है इंशाल्लाह अब आप लोगों को न्यू वीडियोज़ मिलेंगी। सो सी या। यार ये हेयर स्टाइल सब पूछ रहे हो, हेयर स्टाइल दरअसल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है छोटे छोटे बालों की जो है ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हेयर स्टाइल छोटा किया है। थोड़ा सा टाइम तो बढ़ जाएगा, इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है, सही तो है, लेकिन जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करो जिसकी वजह से हेयर स्टाइल छोटा किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सबने सवाल किया, फिर भी मैंने बोला कि चलो इसमें ऐड कर देता हूँ कि हेयर स्टाइल मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह थोड़ा सा भी काम चल रहा है, काम हो जाएगा तो देखना मज़ा आएगा। इस वजह से हेयर स्टाइल छोटा किया, थोड़े दिन में बड़ा कर लूँगा यार।